चले मैं बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बच्चों आपके आज का मेरा टॉपिक है ओ लेवल कंप्यूटर साइंस 2210 पेपर नंबर वन। पेपर वन का चैप्टर नंबर टू, सही है, पेपर वन का चैप्टर नंबर टू। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको बुक दी हुई है उसमें पेज नंबर कौन से पे दिया हुआ है, 65। ऐसी है ना बच्चों, पेज नंबर 65। वो लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर वन चैप्टर नंबर टू। आइए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेज नंबर 65 पे आपको हमने ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे ब्लैंक लाइन दी हुई है वहां पर जरा लिखना शुरू करें। इस पेपर के ना, इस चैप्टर के जो है वो तीन सब टॉपिक है। क्या मतलब, आइए जरा देखिएगा, यानी कि पेपर वन चैप्टर नंबर टू ऑफ ओ लेवल कंप्यूटर साइंस के तीन सब टॉपिक है। पहली बात, इस चैप्टर को बोलते क्या है, सही, इस चैप्टर का नाम है डेटा ट्रांसमिशन। क्या नाम है बेटा, डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन में तीन सब टॉपिक हैं। पहले सब टॉपिक का नाम है जिसमें आप पैकेट को देखते हो, यानी कि पैकेट, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, सही, ये पहला टॉपिक हो गया इस चैप्टर का। बच्चों इसी चैप्टर का एक और टॉपिक भी है, उसका नाम है एरर चेकिंग मेथड, सही। दिस इज टॉपिक नंबर वन, दिस इज टॉपिक नंबर टू। टॉपिक नंबर टू का नाम है एरर चेकिंग मेथड। एरर चेकिंग मेथड के अंदर ये आपके पास आता है, ARQ आता है, चेक सम आता है, चेक डिजिट आता है, एंड सो ऑन। बच्चों जो थर्ड टॉपिक है आपका, उसका नाम है इनक्रिप्शन। थर्ड टॉपिक का नाम है क्या, इनक्रिप्शन, सही, थर्ड टॉपिक का नाम है क्या, इनक्रिप्शन। एम आई क्लियर बच्चों, थर्ड टॉपिक का आपका नाम है इनक्रिप्शन, सही, और उसकी टाइप्स। तो बच्चों ओ लेवल पेपर वन कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर टू है उसके तीन पार्ट हैं। पहले का नाम है डेटा ट्रांसमिशन के क्या मेथड होते हैं और कैसे काम करता है। दूसरा जो है एरर चेकिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। एरर चेकिंग मेथड आपके बहुत सारे हैं, पैरिटी चेक आएगा यहाँ पर, सही है, चेक सम आएगा, इको चेक आएगा, इको चेक खैर हट गया आपके पास, सही, और ये सब। फिर थर्ड टॉपिक का नाम है इनक्रिप्शन। बच्चों ये कॉपी कर लें अपने पास, पेज नंबर 66 पे या 65 पे। फिर मैं आज आपको, आज की क्लास के अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन और कैसे पैकेट ट्रांसफर करता है, पैकेट स्विचिंग भी पढ़ाऊंगा। आइए चलो बेटा स्टार्ट करता हूं। हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर टू का पहला टॉपिक है, उसका नाम है मेथड्स ऑफ, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। टॉपिक नंबर वन, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। बच्चों कौन से पेज पे लिख रहे हैं आप लोग ये सब, बच्चों कौन से पेज पे लिख रहे हैं आप लोग ये सब,
पेज नंबर 66 पे, यस है ना, पेज नंबर 66 पे लिख रहे होंगे, एम आई राइट? 67, 66 एंड 67, आ जाओ। आइए बच्चों लिखना शुरू करें। बच्चों बड़ा आसान है, इसको जरा समझिएगा। हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। बच्चों पेज नंबर 66 और 67 पे जहां पर जगह है वहां पे लिख लें। बेटा डेटा जो आपका ट्रैवल करेगा ना वो स्मॉल पैकेट्स में ट्रैवल करता है, याद रखना, डेटा जो आपका ट्रैवल करता है वो किस में ट्रैवल करता है बेटा, स्मॉल पैकेट्स में। तो यहां पर मैं आपको एक लाइन लिखवा दूं, जब आप डेटा को सेंड करते हो फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि फ्रॉम वन कंप्यूटर, जिसको मैंने सेंडर बोला, यहां पर कह दिया रिसीवर, जब डेटा सेंडर से रिसीवर के दरमियान ट्रांसमिट होता है तो डेटा हमेशा एक पैकेट में जाएगा, उस पैकेट को मैं बोलूंगा डेटा पैकेट। क्या बोलूंगा उसको बेटा? डेटा पैकेट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? डेटा ट्रांसमिशन। इस प्रोसेस का नाम है डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है डेटा ट्रांसमिशन, इसमें सेंडर से रिसीवर तक डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और वो जो डेटा जा रहा है ना उसको हम बोलते हैं डेटा पैकेट। क्या बोलते हैं इसको हम? डेटा पैकेट्स। अच्छा, अब डेटा पैकेट्स क्या होता है बेटा? याद रखना, डेटा जब भी लॉन्ग डिस्टेंस पे शेयर होगा तो वो ब्रोकन होगा स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है। ये मैं यहां लिखता हूं, डेटा जब भी सेंड होगा लॉन्ग डिस्टेंस पे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होने को हम क्या बोलते हैं? डेटा पैकेट। क्या बोलते हैं? डेटा पैकेट। तो मैं यहां लिखता हूं पॉइंट, जरा देखिएगा, डेटा सेंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर डेटा लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड होगा, is usually broken up या split up into packets, ठीक है। और वो जो पैकेट होगा उसको आप बोलते हो डेटा पैकेट, सही है। उस पैकेट को आप क्या बोलते हो? डेटा पैकेट्स। जब डेटा सेंड होगा लॉन्ग डिस्टेंस पे तो वो छोटे छोटे किसमें ब्रेक हो जाएगा बेटा? डेटा पैकेट्स। गॉट इट बच्चों? अब वो डेटा पैकेट लास्ट में, यानी कि रिसीवर के पास आने के बाद दोबारा से रीअसेंबल्ड होगा, है ना। यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में ये डेटा जा रहा होगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग सीक्वेंस पे रिसीवर तक डेटा आएगा। रिसीविंग एंड पे डेटा क्या होगा? दोबारा से रीअसेंबल्ड होगा। रिसीवर रिसीव्ड डेटा पैकेट्स, नॉट इन ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं आएगा। रिसीवर रिसीव डेटा पैकेट नॉट इन ऑर्डर, सही। जब वो ऑर्डर में नहीं आएगा तो रिसीवर सारे पैकेट्स को रीअसेंबल या अरेंज करेगा, रीअसेंबल या अरेंज इन अ सीक्वेंस, है ना भाई। जब अलग अलग रास्तों से अलग अलग सीक्वेंस में डेटा पैकेट आएंगे तो रिसीवर क्या करेगा? उसको दोबारा से रीअसेंबल या अरेंज करेगा, किसमें बेटा? सीक्वेंस में। किसमें बेटा? सीक्वेंस में, ठीक है। अब ये जो आपके पास होती है ना टेक्निक कि किस तरीके से रीअसेंबल्ड होता है, इस टेक्निक को बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक बच्चों? स्विचिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक बच्चों? स्विचिंग टेक्निक। और स्विचिंग जो आपके सिलेबस में है, यानी कि डेटा कैसे रीअसेंबल्ड होगा, ये स्विचिंग टेक्निक जो आपके पास है उसका नाम है पैकेट स्विचिंग। क्या नाम है बेटा? पैकेट स्विचिंग। कैसे डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में अलग अलग रास्तों से होता हुआ रिसीवर के पास जाएगा, इस टेक्निक को तुम बोलते हो पैकेट स्विचिंग, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ 2 मिनट, सही है। हम अभी पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। अब इसको आसान करता हूँ, दोबारा से रिपीट करता हूँ। सेंडर ने रिसीवर को छोटे छोटे पैकेट्स में
अलग अलग रास्तों से रिसीवर को डेटा भेजा। तो हमने यहाँ पर पैकेट्स के बारे में बताया कि डेटा अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएगा तो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में ब्रेक हो जाएगा, सही है। रिसीवर के पास जो डेटा रिसीव होगा वो अलग अलग पैकेट रिसीव होंगे बट ऑर्डर में नहीं होगा। उसको फिर रिसीवर क्या करेगा, रीअसेंबल या अरेंज करेगा ऑर्डर के अंदर, और इस टाइप ऑफ स्विचिंग को हम बोलेंगे पैकेट स्विचिंग, जो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बच्चों यहां तक तो कोई मसला नहीं होगा आपको, है ना। अच्छा, ये जो पैकेट्स आते हैं, पैकेट्स विल बी सेंड पैकेट विल बी ट्रांसमिट पैकेट्स पैकेट कैन बी सेंड ऑन डिफरेंट रास्ता या डिफरेंट रूट। पैकेट अलग अलग रास्तों से भी जा सकते हैं, है ना, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पैकेट अलग अलग रास्तों से भी जा सकते हैं, तभी तो रिसीवर जो है, रिसीवर विल रीअरेंज, जिसको तुम आसान या एक्चुअल जो वर्ड होता है वो रीअसेंबल्ड होता है। रिसीवर विल रीअसेंबल्ड डेटा पैकेट्स इन सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो टेक्निक होती है ना, वो जो रिसीवर दोबारा से अरेंज करेगा, इस टेक्निक को हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग, जो अभी हम आपको पढ़ाने वाले, ठीक है। सही है बच्चों, यहां तक कोई मसला नहीं होगा। अब डेटा पैकेट्स के बारे में अभी हम आपको और पढ़ाएंगे, फिर हम पैकेट स्विचिंग की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन। ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट लिखवाए हैं, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, ये किसके पॉइंट लिखवाए बेटा, डेटा पैकेट, किसके पॉइंट लिखवाए हैं, डेटा पैकेट, ठीक है बच्चों। डेटा पैकेट का स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, ठीक है। डेटा पैकेट का एक स्ट्रक्चर भी होता है, आइए पॉइंट नंबर फोर। पैकेट का स्ट्रक्चर क्या है, आइए, ठीक है बच्चों, डेटा पैकेट का क्या स्ट्रक्चर है, आइए। टिपिकली मैं आपको बस इतना बताऊं, फिर नीचे डायग्राम बनाऊंगा। एक पैकेट के अंदर, एक पैकेट में तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, उसका हेडर, हेडर में सारी डिटेल होगी, अभी मैं आपको दिखाता हूं। नंबर टू, उसका पेरोल, पे लोड, रोल नहीं, पे लोड। नंबर थ्री क्या है आपके पास, ट्रेलर, ठीक है बच्चों। डेटा पैकेट्स के अंदर नंबर वन हेडर होगा, नंबर टू पे लोड होगा, नंबर थ्री क्या होगा, ट्रेलर। तो ये चार पॉइंट पेज नंबर 66 या 67 पे, जहां पर भी जगह है वहां पर ये लिखें, डेटा ट्रांसमिशन का पहला टॉपिक, कैसे डेटा पैकेट सेंड होता है, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं अब आपको पैकेट हेडर के बारे में बताता हूँ, फिर पैकेट स्विचिंग के बारे में बताता हूँ। चलो अब हम डिटेल में आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट इज पैकेट हेडर, आ जाओ बच्चों। चलिए भाई, पैकेट हेडर होता कैसे है ये, क्योंकि इस साल सिलेबस में ऐड हुआ है तो मैंने कहा आपको डिटेल में पढ़ाया जाए। बच्चों ये देखें, अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, सारे पैसे इस डायग्राम के, पैकेट हेडर, गोल्डन वर्ड्स, ठीक है भाई। पैकेट हेडर में आपके पास तीन चीजें होती हैं, बता चुका हूं। पहला क्या होता है बेटा, सॉरी पैकेट हेडर नहीं, पैकेट स्ट्रक्चर, क्या हो गया, पैकेट हेडर नहीं, पैकेट स्ट्रक्चर है, पैकेट स्ट्रक्चर, पैकेट स्ट्रक्चर में तीन चीजें हैं, पहला है हेडर, दूसरा पेलोड, तीसरा क्या है बेटा, ट्रेलर। बच्चों ये तीनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, सही बेटा। जब भी कोई पैकेट जाता है ना, ये है तुम्हारे पास, लेट सपोज डेटा पैकेट, इस पैकेट के तीन पार्ट हैं,
अगर कोई पैकेट छोटे बिट पैकेट है क्या, जब भी कोई डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जाता है तो वो छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक हो जाता है, उन छोटे छोटे चंक्स को क्या बोलते हैं बेटा, डेटा पैकेट। ठीक है, वो अलग अलग रास्ते से भी जाता है ना, और लास्ट के अंदर वो पैकेट क्या होते हैं बेटा, रिअसेंबल्ड होते हैं। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि भाई पैकेट में तीन चीजें होती हैं, पैकेट स्ट्रक्चर में तीन चीजें होगी। पहली का नाम होता है हेडर, ठीक है। सेकंड का नाम होता है क्या, पेलोड। और तीसरी का नाम मैं बता चुका हूं, ट्रेलर। अब इनकी डिटेल बता रहा हूं भाई। हेडर के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं, देखो हेडर बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। इंफॉर्मेशन नंबर वन क्या, इंफॉर्मेशन नंबर वन भाई आईपी एड्रेस क्या है सेंडर का, रिसीवर का। मैं लिखता जाता हूं, सेंडर और रिसीवर का आईपी, सेंडर और रिसीवर का आईपी, रिसीवर्स आईपी। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, पैकेट का सीक्वेंस नंबर, पैकेट सीक्वेंस नंबर, कौन सा पैकेट का क्या नंबर है ना भाई। जब पैकेट अलग अलग नंबर में अलग अलग रास्तों से जाएगा, पढ़ाया है नहीं मैंने, जब पैकेट अलग अलग रास्तों से अलग अलग सीक्वेंस में जाएगा तो सीक्वेंस नंबर को कौन रखता है बेटा, पैकेट हेडर। पैकेट का सीक्वेंस नंबर कौन रखेगा, पैकेट का हेडर। ठीक है बच्चों। अच्छा, पैकेट का साइज, कौन सा पैकेट कितना बड़ा है, पैकेट का साइज। यहां तक कोई मसला तो नहीं है, सही है। अच्छा, ये जो चौथा पॉइंट है ना, इसमें एक तरफ सेंडर आईपी रख दो और एक तरफ रिसीवर आईपी रख दो, ठीक है। और मतलब ये चौथे पॉइंट के अंदर ये जो पहला पॉइंट सेंडर रिसीवर है ना, इसी को दो जगह पर रख दो। क्या, सेंडर आईपी किसने भेजा है वो, और यहां पर आएगा रिसीवर्स आईपी। ठीक हो गया बच्चों। तो ये पैकेट हेडर के अंदर ये सब चीजें आती हैं। अब आ जाओ भाई पेलोड में क्या आता है, ठीक है। पेलोड के बारे में बताते हैं आपको, भगवान नंबर टू। पेलोड के अंदर सबसे पहले द एक्चुअल डेटा इन अ पैकेट्स आता है। एक्चुअल डेटा इन अ पैकेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा इन पैकेट्स। सही है कि भाई जो तुम्हारा डेटा है वो एक्चुअल डेटा इसमें आएगा, सही है। यानी कि जो तुम्हारा पैकेट के अंदर जो डेटा जा रहा होगा वो एक्चुअली किसमें जा रहा होगा बेटा, पेलोड के अंदर। भाई यहाँ पर तो सेंडर की आईपी जाएगी, यहाँ पर पैकेट का सीक्वेंस नंबर जाएगा, यहाँ पर पैकेट का साइज आएगा, यहाँ पर रिसीवर की आईपी जाएगी। तो भाई डेटा कहाँ जाएगा, डेटा पेलोड में जाएगा। डेटा किस में जाएगा, पेलोड के अंदर। एक्चुअल डेटा यानी कि जो मेन डेटा होगा वो किस में जाएगा, पेलोड में। और पेलोड में एक्चुअल डेटा ना पैकेट, या अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल डेटा होता है 64 KB, किलो बाइट नहीं, इट्स की बाइट। की बाइट को के स्मॉल का आए और फिर भी लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो एरर चेकिंग मेथड होते हैं ना, तो एरर चेकिंग मेथड भी इसी पेलोड के अंदर अप्लाई होते हैं, सही है। एरर चेकिंग मेथड कि भाई डेटा प्रॉपर ट्रांसमिट हो रहा है, बीच में कोई छेड़ाखानी तो नहीं कर रहा, तो एरर चेकिंग मेथड भी पेलोड में ही चेक होता है, पेलोड का ही एक पॉइंट है, ठीक है। तो पेलोड ऑफ पैकेट स्ट्रक्चर क्या करता है, सबसे पहले तो भाई एक्चुअल डेटा को देखता है, दूसरा एरर चेकिंग मेथड भी ये देखता है कि भाई कोई डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोस्टली जो एरर चेकिंग मेथड है उसका नाम यहाँ पर है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, कौन सा बेटा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, कौन सा बेटा, साइक्लिक रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीट होना, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये शॉर्ट में क्या बना बताओगे मुझे, सी आर सी। क्या बना, सी आर सी।
तो भाई पेलोड में दो चीजें चेक होती हैं, पेलोड में दो पॉइंट होते हैं, पेलोड कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल डेटा इन अ पैकेट, और पेलोड के अंदर सारे एरर चेकिंग मेथड, और मोस्टली बेटा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक से आपका पैकेट चेक होता है कि डेटा प्रॉपर पहुंचा या नहीं पहुंचा। बच्चों पैकेट हेडर का थर्ड कैटेगरी के थर्ड पोर्शन क्या होता है, थर्ड पोर्शन का नाम है क्या बेटा, ट्रेलर। ट्रेलर में भी एरर चेकिंग मेथड अप्लाई होता है, बट वो कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। सबसे पहले ट्रेलर ये देखता है कि भाई पैकेट खत्म हुआ या नहीं हुआ। क्या मतलब, देखें सबसे पहले मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ पैकेट, यानी कि पैकेट खत्म हुआ या पूरा एंड ऑफ पैकेट हो गया या नहीं हो गया। मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ऑफ पैकेट, पैकेट का इख्तिताम हुआ या नहीं हुआ। मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ पैकेट। दूसरा सम अदर एरर चेकिंग मेथड जो कि इंश्योर करेगा कि पैकेट जो अराइव हुआ है वो एरर फ्री हुआ है या नहीं हुआ। इंश्योर दैट पैकेट अराइव, इंश्योर दैट पैकेट अराइव्स एरर फ्री और नॉट। पैकेट जो आया है वो एरर फ्री ही आया या नहीं आया, सही है। तो भाई ट्रेलर का काम क्या है, ट्रेलर का काम है कि भाई ये चेक करना है कि पैकेट का एंड हुआ है या नहीं हुआ। ट्रेलर का क्या काम है भाई, पैकेट को चेक करना है कि आइडेंटिफाई द एंड ऑफ द पैकेट और नॉट, और दूसरा ये इंश्योर करना कि जो पैकेट अराइव हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा एरर फ्री के लिए भी यहाँ पर भी कुछ एरर चेकिंग मेथड ही हो गया, सही। यहाँ पर सिर्फ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सम एरर चेकिंग मेथड, सम एरर चेकिंग मेथड क्या होगा, सम एरर चेकिंग मेथड, सही है बच्चों। तो ये पैकेट का स्ट्रक्चर है, चलो जल्दी से देखो, जरा रिवाइज कर रहा हूँ। पैकेट हेडर के पैकेट स्ट्रक्चर के अंदर पहला हेडर होगा, हेडर में सेंडर आईपी होगी, पैकेट का सीक्वेंस नंबर होगा, पैकेट का साइज होगा, रिसीवर्स की आईपी होगी, ठीक है। मेन मेन सबसे ज्यादा पैकेट हेडर होता है, हाँ मेन सबसे ज्यादा पैकेट हेडर होगा बच्चों। उसके बाद पेलोड होगा, पेलोड के अंदर एक्चुअल डेटा किसमें जाएगा बेटा, पेलोड में, ठीक हो गया। और कुछ एरर चेकिंग मेथड, मोस्टली बेटा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होगा बच्चों। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ट्रेलर। ट्रेलर में आपका ये होगा आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट, और ये इंश्योर करना है कि बेटा डेटा बिल्कुल एरर फ्री हुआ है या नहीं हुआ, सही है। ये बेसिकली पैकेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे पैकेट स्विचिंग के बारे में पढ़ाने जाता हूँ। चलिए अच्छा, डेटा को अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, सेंडर से रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट करने के दो मेथड होते हैं, सही है। उस मेथड को हम बोलते हैं स्विचिंग। क्या बोलते हैं बेटा, स्विचिंग। स्विचिंग करने के दो तरीके हैं, पहले का नाम है पैकेट स्विचिंग, पहले का नाम है सर्किट, हाँ पैकेट स्विचिंग, एक का नाम है पैकेट स्विचिंग और दूसरे का नाम है क्या, सर्किट स्विच। ठीक है, याद रखना डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना, इसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। डेटा को ट्रांसमिट करने के दो तरीके हैं, ये साल ऐड हुआ है बच्चों, पहले नहीं था। मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं स्विचिंग, और स्विचिंग करने के दो तरीके हैं, एक है पैकेट स्विचिंग और एक है क्या, सर्किट स्विच, ठीक है बच्चों। चलिए ये लिखें जरा अपने पास। अब मैं आपको बताता हूं कि पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग क्या होता है। लिख लिया बच्चों, सही।
ये देखिए बच्चों, मॉड ऑफ स्विच, ये देखिए बच्चों, कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट करने के, जिसको तुम ट्रांसमिशन मॉड बोलते हो, दो तरीके होते हैं, एक होता है सर्किट स्विचिंग और एक होता है क्या, पैकेट स्विचिंग। बच्चों सर्किट स्विचिंग के अंदर ये एक पॉइंट है जिसको तुमने नोड बोल दिया, ये दूसरा पॉइंट है जिसको तुमने नोड कह दिया, ये तीसरा पॉइंट है जिसको तुमने नोड बोल दिया। बच्चों सर्किट स्विचिंग में एक स्पेसिफिक वायर होता है, यानी कि उस पे इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। वो जो स्पेसिफिक बैंडविड्थ होती है उसको बोलते हैं डेडिकेटेड लिंक। क्या बोलते हैं बेटा? डेडिकेटेड लिंक, यानी कि नोड ए से नोड बी पे जाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता आपने खरीद रखा है, उस रास्ते को हम बोलते हैं डेडिकेटेड लिंक, है ना। तो ये बहुत कॉस्टली होगा। अच्छा, नोड ए से नोड सी पे जाने के लिए भी डेडिकेटेड लिंक है, नोड सी से बी पे जाने के लिए भी डेडिकेटेड लिंक है। तो याद रखना, इन सर्किट स्विचिंग डेटा ऑर्डर में ही जाता है, ये बहुत बेस्ट है, सही है, डेटा ऑर्डर में जाएगा, ठीक है, और कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है स्टार्ट के अंदर, और जैसे ही तुम डेटा को सेंड कर दोगे तो फिर कम्युनिकेशन होने के बाद लिंक विल रिमूव आफ्टर कॉल, यानी कि डेडिकेटेड लिंक विल रिमूव आफ्टर सेंडिंग डेटा, सही है। पूरी की पूरी बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी क्योंकि बेटा डेडिकेटेड लिंक है, लिखा हुआ है होल बैंडविड्थ इज यूज। अच्छा, जब पैकेट, जब डेटा बिल्कुल तरीके से ही शेयर हो रहा है, सीक्वेंस में ही सेंड हो रहा है, तो भाई कोई डिले भी नहीं आएगा और नो कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट, सही है। सर्किट स्विचिंग में नो कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट, कोई पैकेट वैकेट का चक्कर ही नहीं होता, डेटा एक ही ऑर्डर में सेंड होता है ना। तो हम सर्किट स्विचिंग नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में सर्किट स्विचिंग है भी नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ पैकेट स्विचिंग है। लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब मैं सर्किट आपको दिखाऊंगा तो आपको फिर पैकेट समझ आएगी ना कि भाई पैकेट में क्या हुआ, ठीक है भाई। अच्छा, दोनों आप लिखेंगे अपने पास कि सर्किट स्विचिंग के अंदर आप एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए पूरा वायर ही आपका होता है डेडिकेटेड लिंक होता है, कोई पैकेट का चक्कर ही नहीं होता, कोई डिले विले कुछ भी नहीं आता, सही है, एकदम फुल मजे होते हैं आपको। तो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ स्विचिंग जो है वो तो भाई सर्किट स्विचिंग है, और सर्किट स्विचिंग इज फॉर रियल टाइम वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बेस्ट। कौन सी होती है बेटा? सर्किट स्विचिंग। लेकिन गरीबों की कौन सी होगी? वो होगी पैकेट स्विचिंग। क्यों? क्योंकि इसमें डेडिकेटेड लिंक लेना होगा। डेडिकेटेड लिंक हम कैसे खरीदेंगे? होल्ड बैंडविड्थ होगी ना, तो हम बोलते हैं कि भाई हमें डेडिकेटेड यानी कि सर्किट स्विचिंग नहीं चाहिए, हम किस पे काम करेंगे? पैकेट स्विचिंग। आओ पैकेट स्विचिंग भी हो। पैकेट स्विचिंग में डेटा जो सेंड होगा वो पैकेट पे होगा और दूसरे रास्तों से होगा, ये मैं आपको भी बता चुका हूँ, है ना। डेटा जो सेंड होगा वो पैकेट में होगा और अलग अलग रास्तों से होगा, कैसे ये देखें। पैकेट स्विचिंग में नोड वन से नोड टू पे अगर डेटा जा रहा है तो वो हमने यहाँ पर छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया, जिसको तो बोल दो पैकेट, और अभी डिटेल में पैकेट मैंने पढ़ा दिया। जब नोड वन से नोड टू पे डेटा पैकेट के अंदर जा रहा होगा तो अलग अलग रास्तों से और अलग अलग सीक्वेंस से जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि नोड वन से नोड टू पे डेटा जाना है तो कुछ पैकेट ऐसे जा रहे हैं अलग अलग सीक्वेंस में और कुछ यहाँ से जा रहे हैं थ्री से होते हुए, हाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा इन पैकेट स्विचिंग डेटा रिसीव होता है नॉट इन ऑर्डर, ठीक है, डेटा रीअसेंबल्ड होगा फाइनली। ये क्या करेगा बेटा? नोड टू रीअसेंबल्ड करेगा, सही है, और फिर अंटिल वेट करेगा अंटिल द लास्ट पैकेट इज अराइव, ये देख रहे हो, वेट अंटिल द लास्ट पैकेट इज अराइव। उसके बाद इसमें डिले भी आ सकता है, इसमें लेटेंसी भी आ सकती है, और इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है बेटा? शेयर होती है। अगर आपको वो अभी भी प्रॉब्लम है तो आइए मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। बच्चों पैकेट स्विचिंग में देखें और डिटेल पढ़ा रहा हूं। पैकेट स्विचिंग में ये एक नोड है, दिस इज नोड वन, और ये है नोड नंबर टू, ये एक और है नोड नंबर थ्री। सबसे पहली बात, डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में जाएगा, सही है, नॉट इन ऑर्डर, पैकेट्स में जाएगा और कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे जो जा रहे हैं ना अलग अलग रास्तों से, है ना, अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं, डेटा सेंड होता है ऑन डिफरेंट रूट्स नॉट इन ऑर्डर, ठीक है। अब ये रिसीवर है, रिसीवर के पास जो डेटा आएगा ना, सबसे पहली बात वो आएगा नॉट इन ऑर्डर, वो ऑर्डर में हो गई नहीं, ठीक है, और रिसीवर वेट करेगा अंटिल लास्ट पैकेट अराइव, वेट अंटिल लास्ट पैकेट अराइव, है ना। रिसीवर वेट करेगा कि भाई सारे के सारे पैकेट आए या नहीं आए,
तो इन रास्तों से होता हुआ जाएगा, अलग अलग रास्ते से पैकेट होते हुए आए। रिसीवर वेट कर रहा है कि भाई पहली बात ऑर्डर पे नहीं आया, दूसरा वेट अंटिल द लास्ट पैकेट अराइव, और फिर रिसीवर क्या करेगा, रीअसेंबल्ड करेगा, दोबारा से चीजों को रीअसेंबल्ड करेगा। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग में रिसीवर क्या करता है, पहला पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में रीअसेंबल्ड करेगा। क्या करेगा बेटा, रीअसेंबल्ड करेगा। चौथे पॉइंट के अंदर रिसीवर को डिले फैक्टर मिल सकता है ना। पांचवे पॉइंट में रिसीवर को, पहले चौथे पॉइंट में डिले मिलेगा, पांचवे पॉइंट के अंदर, पांचवे पॉइंट में क्या होगा, पैकेट, पैकेट पांचवे पॉइंट में क्या होगा, हाँ शेयर बैंडविड्थ होगी। हाँ ठीक है, क्योंकि आप लोग अलग अलग रास्तों से होते हुए आ रहे हो, तो ये जो बैंडविड्थ है ये आपकी नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, शेयर बैंडविड्थ। क्योंकि आपका पैकेट अलग अलग रास्तों से होता हुआ आ रहा है, तो ये बैंडविड्थ कौन सी है बेटा, शेयर है। हाँ शेयर बैंडविड्थ का मतलब रास्ता, जो लिंक है वो शेयर है पैकेट के अंदर। और पैकेट की जो एग्जाम्पल होती है, पैकेट स्विचिंग की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वो है ईमेल सेंडिंग। ईमेल के अंदर बच्चों, ईमेल के अंदर जो आपके पास स्विचिंग होती है, वो होती है क्या, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में जो पैकेट सेंड होगा वो ऑर्डर में सेंड नहीं होगा, और अलग अलग रास्ते, ऑन डिफरेंट रूट, ऑन डिफरेंट रूट। ठीक है ना, तो भाई इसको समअप करते हैं। इन पैकेट स्विचिंग, छोटे छोटे पैकेट्स चंक के अंदर अलग अलग रास्तों से जाएंगे, किसमें बेटा, रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर वेट करेगा अंटिल द लास्ट पैकेट अराइव। ठीक है, फिर जब लास्ट पैकेट आ जाएगा तो रिसीवर क्या करेगा, रीअसेंबल्ड करेगा। रीअसेंबल्ड करने के बाद डेटा प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएगा, बट क्योंकि डेटा अलग अलग रास्तों से जाता है, तो इसमें पैकेट स्विचिंग में डिले फैक्टर आता है। ठीक है, जिटर आता है, और क्योंकि ये रास्ता सभी यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है बेटा, शेयर होती है। इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, शेयर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैं डायग्राम आपको पहले दिखा चुका था, इस डायग्राम में ये सब बातें लिखी है। ठीक है, पहला पॉइंट देखो कि डिले होगा, लेटेंसी होगी, वेट फॉर द लास्ट पैकेट अराइव, शेयर बैंडविड्थ होगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप पे बनाएंगे आप। पैकेट स्विचिंग आपके पास है नहीं, आपके पास कौन सी, सॉरी सर्किट स्विचिंग आपके पास नहीं है, पैकेट स्विचिंग है आपके पास। चलो आगे, चलो बच्चों, एग्जाम में ये डिफरेंस भी आ सकते हैं, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। आई चैप्टर टू के डिफरेंस क्या है कि भाई कनेक्शन एस्टैब्लिश एट द स्टार्ट में होगा सर्किट स्विचिंग में, पैकेट के अंदर डज नॉट हैव टू एस्टैब्लिश एट द स्टार्ट। ठीक है, लिंक विल रिमूव आफ्टर द कॉल, और पैकेट में क्या होगा, डेटा डिवाइड होगा छोटे छोटे पैकेट में। अच्छा, सर्किट स्विचिंग में पैकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट सर्किट स्विचिंग में एक स्पेशल वायर या फुली बैंडविड्थ होती है, विच इज डेडिकेटेड लिंक। पैकेट स्विचिंग के अंदर डेटा सेंड होगा अलग अलग रास्तों पे, शेयर बैंडविड्थ होती है। सर्किट स्विचिंग में कोई डिले नहीं होता, पैकेट स्विचिंग में डिले होता है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में टू वे रियल टाइम होता है, पैकेट के अंदर डेटा को रीअसेंबल करना पड़ता है करेक्ट ऑर्डर में। सर्किट स्विचिंग में डेटा अराइव ऑर्डर में ही होता है, और पैकेट स्विचिंग में कोई ऑर्डर में नहीं होता, हम वेट करते हैं अंटिल द लास्ट पैकेट अराइव। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में कोई लेटेंसी नहीं होती, रिड्यूस लेटेंसी, और हमने इसमें बोला पैकेट स्विचिंग में कैन फेस डिले। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में क्योंकि डेडिकेटेड बैंडविड्थ होती है, तो होल बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी, पैकेट स्विचिंग में शेयर्ड बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में क्योंकि डेटा जा रहा होता है एक डेडिकेटेड लिंक से, तो कोई पैकेट लॉस नहीं होता सर्किट के अंदर, और पैकेट के अंदर अलाउ फॉर एरर चेकिंग, एरर चेकिंग के जरिए हम चेक करते हैं कि डेटा प्रॉपर आया या नहीं आया। आपके सिलेबस में ओ लेवल्स के अंदर सर्किट स्विचिंग नहीं है, सिर्फ क्या है बेटा, पैकेट स्विचिंग। गॉट इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, बच्चों अच्छा सर्किट तो आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो सर्किट छोड़ दें आप, पैकेट के बारे में जो जो आ सकता है मैं वो बता देता हूँ। चलो बच्चों, ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको लिखने होंगे, पेज नंबर जो भी आपका कंटिन्यू चल रहा है उस
पे। बच्चों देखें, की पॉइंट्स ऑफ पैकेट स्विचिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले डेटा स्प्लिट होगा किसमें बेटा, स्मॉल पैकेट्स में, चंक में, ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर वन। डेटा जो सेंड होगा वो इंडिविजुअल रूट पे होगा, ठीक है। पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, तो डेटा के अंदर डिले आ सकता है। पैकेट में गेट लॉस, लॉस हो सकता है तो ट्रांसमिशन के अंदर डिले आ सकता है, सही है। पैकेट स्विचिंग के अंदर शेयर बैंडविड्थ होती है, ये चार मार्क्स का सवाल एग्जाम में आ सकता है, तो हमने ये आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। एग्जाम में ये भी सवाल आया था कि क्योंकि ये नया एड ऑन हुआ है तो मैंने कहीं और से ये आपको निकाल के दिए हैं सवाल जो इसी से रिलेटेड है। A2 के अंदर A2 कंप्यूटर साइंस में ये टॉपिक पहले से था, क्योंकि मई जून 23 के अंदर एग्जामिनर ने ओ लेवल्स का सिलेबस चेंज करके वो जो A2 का टॉपिक है ना, सर्किट और पैकेट स्विचिंग, वही उठा के दे दिया है ताकि बच्चों को ज्यादा समझ आए। तो ये जो मैंने निकाला है ये A2 से निकाल के आपको दिया, उसी के से रिलेटेड ये टॉपिक है पूरा, तो आपके भाई ने फुल वर्किंग करके आपको दिए, ठीक है। तो आइटम्स दैट कंटेन्ड इन ईमेल पैकेट, वो कौन से आइटम्स हैं जो ईमेल पैकेट के अंदर आएंगे जब आप पैकेट स्विचिंग पे वर्क करोगे। नंबर वन मैं आपको बता चुका हूँ, हेडर में क्या आता था, सेंडर आईपी, रिसीवर आईपी, पैकेट सीक्वेंस नंबर, और चेकसम तो उसके अंदर आता था ट्रेलर के अंदर, ठीक है। एग्जाम में ये सवाल आता है, क्या सवाल आता है दिखाऊं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राउटर इन सेंडिंग एन ईमेल। जब आप ईमेल सेंड करोगे फ्रॉम वन लैपटॉप या वन पीसी टू अनदर, तो पैकेट स्विचिंग कैसे काम करेगा। बच्चों मैं 10 दफा बता चुका हूँ, पैकेट स्विचिंग के अंदर पॉइंट नंबर वन देख लो, वही लिखा हुआ है कि डेटा जो है ना वो स्प्लिट होगा किसमें, पैकेट में, पैकेट के अंदर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा पैकेट हेडर के अंदर, सही है। फिर पैकेट पास होगा अलग अलग रास्तों से, पॉइंट नंबर थ्री देख लो, है ना, पैकेट जो है वो अलग अलग रास्तों से होता हुआ जाएगा। रिसीवर के पास जो है वो पैकेट की आईपी होगी, वो उसको फिर रीअसेंबल्ड करेगा और वेट करेगा अंटिल द लास्ट पैकेट अराइव, इसमें डिले आ सकता है। तो ये पास पेपर के अंदर आए हैं सवाल, तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, और इस साल भी ऐसे ही आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने नोट्स के अंदर ये सब चीजें लिखें। चलो आगे, चलो सही बच्चों, तो एग्जाम में ये आ सकता है कि भाई पैकेट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग की डेफिनेशन, और किस तरीके से पैकेट स्विचिंग के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या ड्रॉबैक, ठीक है बच्चों। बच्चों ड्रॉबैक बताओ पैकेट स्विचिंग के, एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, पास पेपर क्वेश्चन, ड्रॉबैक ऑफ पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले कैन फेस डिले, है ना, पैकेट स्विचिंग में डिले होता है। दूसरा बताओ, डेटा सेंड इन आउट ऑफ ऑर्डर, डेटा सेंड आउट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं जाता। तीसरा ड्रॉबैक बताओ बच्चों, पैकेट जो है ना वो लॉस हो सकता है, पैकेट्स पढ़ाया था मैंने अभी आपको, पैकेट्स कैन बी लॉस्ट, पैकेट जो है वो अलग अलग रास्तों से जाएगा तो क्या हो सकता है बेटा, लॉस हो सकता है, ठीक है। पैकेट्स नीड टू रीअसेंबल्ड एट द रिसीवर्स एंड, है ना, पैकेट्स नीड टू रीअसेंबल्ड, है ना, एट द रिसीवर्स एंड। पांचवा पॉइंट बताओ क्या होगा, बेटा ये बेस्ट होता है ईमेल के लिए, है ना, पैकेट स्विचिंग बेस्ट होता है ईमेल के लिए, बट नॉट सपोर्ट रियल टाइम, है ना, ये लिखवाया था मैंने, नॉट सपोर्ट रियल टाइम, रियल टाइम वीडियो वगैरह के लिए सपोर्ट नहीं, रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई मसला तो नहीं।
ठीक है। तो बच्चों बेनिफिट ऑफ पैकेट स्विचिंग क्या होगा, आइए वो भी दिखाते हैं आपको। पीपीक्यू बेनिफिट्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, बेनिफिट नंबर वन आप बताएं, नो डेडिकेटेड लिंक इज रिक्वायर्ड, है ना, कोई डेडिकेटेड लिंक की जरूरत नहीं है, नो डेडिकेटेड लिंक इज रिक्वायर्ड, अलग अलग रास्तों पे जा सकते हैं ना वो। इफ वन लिंक इज बिजी, अगर एक लिंक बिजी है सो पैकेट विल सेंड, तो पैकेट किसी और रास्ते से जा सकता है, सो पैकेट विल राउट ऑन अनदर लिंक या अनदर पाथ। सही है बच्चों। नंबर थ्री, इजी टू एक्सपेंस, अच्छा ये एक्सपेंसिव नहीं होता, क्यों एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि डेडिकेटेड लिंक ही नहीं होता इसमें, तो हमने कहा कॉस्ट इफेक्टिव, चीप लिख दो, चीप। हाँ इजी टू एक्सपेंड, इजी टू एक्सपेंड, एक्सपेंड क्यों, क्योंकि बेटा आराम से हो सकता है, हमारा कोई डेडिकेटेड लिंक थोड़ी, इजी टू एक्सपेंड। सही है भाई, ये चार पॉइंट है किसके बेटा, पैकेट स्विचिंग के। सही, तो ड्रॉबैक भी देख लो पैकेट स्विचिंग के, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और बेनिफिट ऑफ पैकेट स्विचिंग का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो भाई पैकेट स्विचिंग की डेफिनेशन हो गई आपके पास, ठीक है। अ मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच द मैसेज इज ब्रोकन इनटू मेनी डेटा पैकेट्स विच कैन बी सेंट ओवर डिफरेंट रूट, को उसने अंग्रेजी में बोल दिया, अलोंग पाथवेज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। एक और डेफिनेशन होती है इसकी, मतलब इसकी नहीं, मैं दूसरी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, किसकी बेटा, डेटा पैकेट्स की। मैंने कहा आइए डेटा पैकेट्स की भी फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको, क्या है डेटा पैकेट की, A small part of data is transmitted over a network. Data भी बोल सकते हो, message भी बोल सकते हो. That is sent, yeah, that is transmitted over a network. अच्छा इसी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आफ्टर ट्रांसमिशन डेटा इज रीअसेंबल्ड, आफ्टर ट्रांसमिशन रिसीविंग एंड पर डेटा क्या होगा, रीअसेंबल्ड होगा, डेटा पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड। फ्रॉम ओरिजिनल मैसेज, ठीक है, ये इसकी भी होगी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को बस होपिंग को मैं ऐड करके उसके बाद फिर आप लोगों के लिए क्लास को वाइंड अप करूंगा, ये होपिंग है और अभी मैं आपको होपिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।